ऐसा ऐसा मुंह का पेन निकालो बीमारी को निकलता है कौन पर एक निकलता है मैं भी जाता ले हां लेगा जाओ हां तो फ्रेंड्स मैं आपको एक इंसान से मिलाने जा रहा हूं इनको लोग बोलते हैं कि दिमाग कम है तो जो कोरोना वायरस का इतना मतलब इतना डर है कि जिनको लोग बोलते हैं कम दिमाग है वो भी समझ गए हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए मैं उनसे बात कराता हूँ। अच्छा इधर इधर सुनिए तो आप कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं? हम कहती ना हम बताते ना घर घर को बताते ना हाथ धो दीजिए मन धो को और नाम क्या है? कोई नहीं मैडम कोई नहीं मैडम। अच्छा आप क्या क्या बताते हो? मैं हाथ धो को दी तो मन धो को हाथ खाओ देर बीस में खाओ खाओ जून और मैं कहा दीदी मास्क पहनो को मास्क पहने को दागो ना ये ना ये कान के ढंग को दागो। क्या वायरस है? कोरोना वायरस। हाँ और बीमारी होगा हाथ धो को साफ करोगो आज हाथ धो को साफ करोगो। अच्छा आपके पास तो टीवी वगैरह नहीं है आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिला? वही हम वही कहाँ पे दीदी मैडम मैडम वो बताए बताई ना कहो को। अच्छा दीदी का नाम कहो घर घर के खाओ। अच्छा आप मुझे बताओ कि आप रहते कहाँ पे हो? हम बूट कहा बूट कहा चार महीना पीछे पीछे रोड के साइड में सोते हो? नहीं हम घर में घर में सोते हो। अच्छा बाहर तो नहीं खाना पीना कहाँ पे खाते हो? मैं पकाती मैं छोटी भाई बहन। अच्छा आप पैसा कहाँ से इनकम करते हैं? भरता में हो जाता है और इनकम नहीं और कुछ भी नहीं। अब ये जो घर घर जाते है दीदी मैम करके हम गरीब हैं हम दे हम गरीब हैं ये के घर घर के मारती हो थाली भी मार के मारती हो मैं चल बहुत उठाती ना हम गरीब वाले हमला दिखाओ हाथ में दिखाओ ये देखो दीदी मैं नाम आया देखो मैं नाम आया देखो मैं नाम पैसा दे के घर घर मांगती हूँ बस। पैसा मांग रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है लेकिन जो एवार कराने की मतलब अपने हिसाब से जो एवार कर रहे हैं वो बड़ी बात है। मैं इसलिए वीडियो बनाया कि हम खाएंगे हमें काम चाहिए हमें काम चाहिए का पापा ने मैं नहीं का भाई ने हमें मांग के पेंशन आ दी दीदी हमने मांग के खाने नहीं का पापा है नहीं हमरा पलाने का पापा पेंशन हम दे भाई नेता के खाते नहीं दीदी नेता मांग के खाते मांग खाते नहीं दीदी सुने नहीं दीदी हो मैडम ना नहीं मलती है ना मंदिर खाते ना। तो एनीवेज इनका कहना मतलब है कि नेता लोग मार के खाते हैं लेकिन जो है ना इनको देखिए मतलब घर घर जाकर मांग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पसंद आया कि लोगों को अवेयर करा रहे हैं मांग तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन मैं वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि वो अपने हिसाब से एजुकेटेड नहीं है इतना ये नहीं है फिर भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अवेयर रहे वो बस जा रहे हैं घर घर जब पैसा मांग रहे हैं तो वहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा बीमारी है बच के रहिए करिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस वजह से मैं वीडियो बनाया। तो ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए था आप मुझे बताइए। और आप भी सेफ रहिए कोरोना वायरस हो या फिर कोई भी वायरस हो आप हमेशा साफ सफाई से रहिए और अपने आप को सेफ रहिए और आपके जानने वाले हैं उनको भी सेफ रखिए दोस्तों को रिलेटिव्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनका मैसेज जो है पहुंचाइए। हालांकि अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो बात अलग है आप सही से मैं बता दूंगा कभी बाद में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए। जय हिंद। दीदी जागियो हमें घर घर कहते ना हाथ धो दीदी हाथ धो ऐसे दीदी ताकि दीदी ताकि।